वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स देखने वाले हैं और इनकी संख्या जो है 10 है। उससे पहले कुछ एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर रामसर साइट से आ जाते हैं या फिर पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है और भारत में कितने रामसर साइट हैं, सबसे छोटा रामसर स्थल भारत में कौन सा है, सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा भारत में है। तो सारे क्वेश्चन के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो रामसर कन्वेंशन जो है कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन जो है रामसर स्थल है ईरान में, वहां पर किया गया था, इसीलिए इसको जो है रामसर कन्वेंशन नाम दे दिया गया। इसका आयोजन किया क्यों गया था, तो रामसर कन्वेंशन का जो आयोजन है किया गया था आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए और इसी को चिन्हित करने के लिए जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 2024 में जो है 2024 में यहां पर वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो 2024 के लिए थीम हो जाएगी वर्ल्ड वेटलैंड डे की वेटलैंड वेटलैंड एंड ह्यूमन ह्यूमन वेल ह्यूमन वेलबींग यानी कि आर्द्रभूमि और मानव कल्याण 2024 के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है। ये ध्यान रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम यूपी पुलिस का है वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर जो स्थल लिखे गए हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये जो है पक्षी विहार या फिर वन्यजीव विहार ये सब है, तो इनको ही रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगर आप बात करें कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो भारत में जो है वर्तमान में 80 रामसर स्थल हैं। पहले इनकी संख्या 75 थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में जो है अब जो है 80 रामसर स्थल भारत में हो गए हैं। अभी 2024 में 5 जो है नए स्थल जोड़े गए हैं। अगर बात करें कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर स्थल भारत में कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा जो है रामसर स्थल भारत में रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा भारत का रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र सुंदरवन जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में स्थित है, ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2024 में जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन जो है सिरपुर झील जो है हमारी इंदौर मध्य प्रदेश में है, यहां पर जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का जो है आयोजन किया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। अब हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल हैं इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं मुजफ्फरनगर, जो हमारा हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये हमारा मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों में आता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों से सीमा अपनी साझा करता है। इसके अलावा ऊपरी गंगा का मैदान ये हो जाएगा बिजनौर में आर्द्रभूमि क्षेत्र है। हरदोई में सांडी पक्षी विहार है, इसको रामसर साइट का दर्जा उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, उन्नाव में है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के नवाबगंज उन्नाव जिले में है नवाबगंज पक्षी विहार, इसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। बखीरा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है, आप इनकी लोकेशन भी देखिए यहीं पर ये स्थित है, तो इससे आपको याद रहेगा संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव विहार हो जाएगा हमारा। रायबरेली में जो है समस्त पुरक्षी विहार है।
रायबरेली में समस्त पक्षी विहार आदिभूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा समन पक्षी विहार जो है समनपुर, समन पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है, ये ध्यान रखिए। और इधर दो जिले हैं इटावा में, सरसई नवार झील यहाँ पर है इटावा में, और आगरा में सूर सरोवर झील। हो जाएगा हमारा सूर सरोवर जो झील है आगरा में है, इसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। और जो बखीरा वन्यजीव विहार है ये लेटेस्ट है संत कबीर नगर में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए, आपको ये याद हो जाएंगी। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप लोग जो है बेल आइकन को भी हिट करें और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।